हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं हूं खलील और आप देख रहे हैं जो भी आपके आंखों के सामने है वही देखेंगे आप, और क्या देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने व्लॉगिंग सेटअप के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से बात खत्म करते हैं, क्योंकि भाई साहब देखो यहाँ पर तो छाँव है, लेकिन जहाँ पर कैमरा रखा हुआ ना वहाँ पर छाँव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के लिए अपने बहन का फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन दिखाना है। तो किसी का फ़ोन तो चाहिए ना अपना फ़ोन दिखाने के लिए, अपना व्लॉगिंग सेटअप दिखाने के लिए, क्योंकि वही खुद यूज़ कर सकता हूँ यार। अगर मैं मिरर का यूज़ करूँ तो कर सकता हूँ। तो अभी मैंने एक और कैमरा लगा रखा है यहाँ पर, ताकि मैं दो दो एंगल से रिकॉर्ड कर सकूँ, अपना आपको सेटअप भी दिखा सकूँ जो कि यहाँ पर है। तो बिल्कुल मेरे सामने ही आप देख सकते हैं मेरा जो सेटअप है वो रखा हुआ है। एक टूटा सा ट्राईपॉड है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, फोन होल्डर है वो भी अलग से खरीदा है इसलिए, ताकि ये माइक्रोफोन लगा सकूँ। बोया का BYMM1 जो व्लॉगिंग के लिए समझ लो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो माइक्रोफोन है, और एक रियलमी का 3 प्रो, ओप्पो Realme 3 प्रो एक फ़ोन है, थोड़ा पुराना फ़ोन है लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है। और इसकी बात करें तो ये तो है मेरी बहन का फ़ोन है, ये मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन फ्यूचर में सोचा हूँ कि मैं यूज़ करूँ। तो मतलब दो दो कैमरा एंगल, जैसे इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा तो शायद थोड़ा और अच्छा लगे। बस ये है कि इसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है। माइक्रोफोन मैंने बता दिया, इसकी भी मतलब आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वैसे भी इससे सस्ता मिलने वाला है नहीं। और ये माइक्रोफोन मैंने खरीदा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कितने का खरीदा था, जो भी आप सर्च कर लो, ठीक है, आप सर्च कर लोगे BYMM1 आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। और मैं स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा मैंने जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और फ़ोन फ़ोन के बारे में क्या है यार, फ़ोन शायद अब नहीं नहीं मिल रहा है अभी, शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था लेकिन वापस आ रहा है। तो वैसे भी नए फ़ोन काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो ये पुराना फ़ोन लेने का मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे ना Realme 8 Pro सबसे बढ़िया है बजट के हिसाब से, और मतलब रिकॉर्डिंग जो उसकी होती है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड भाई साहब क्या बताऊँ, ये मैंने अपने फ़ोन से नहीं ऑर्डर किया था, तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊँगा कि कितने का था, और उसका लिंक वुंक भी नहीं दे पाऊँगा कोई भी, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से ऑर्डर नहीं किया था, वो मेरे भाई ने ऑर्डर किया था, तो वो यहाँ पर है नहीं, तो उसके फ़ोन से मैं अगर होता तो देख भी सकता था, लेकिन अभी वो यहाँ पर है नहीं, तो उससे पता नहीं उसमें होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं। 2 साल पहले का, 2 साल से ऊपर हो गया, सॉरी, 2 साल से, 2 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और ये अभी भी चल रहा है ये ट्राईपॉड। 2 साल बाद ये टूटा है, 2 साल बाद असल में ये टूटा है, और ये कितना 2.5 साल हो गया होगा इसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इतना बता दूं मैं आपको कि ये 2 साल बाद ख़राब हुआ, टूटा, और ये अभी भी चल रहा है ये अभी भी चलने की कंडीशन में। और मैं आपको बता दूं ये 270 या 280 का था, ठीक है, और हाँ ऐसे ही कुछ था, मतलब एग्जैक्ट प्राइस भी मुझे नहीं याद है, लेकिन 300 से नीचे था इतना पता है। अच्छा, इसकी मैं एक बात बता दूं आपको कि इसका मैंने एक फ़ोन होल्डर ख़रीदा है जिसमें कोल्ड शू माउंट होता है, बिना कोल्ड शू माउंट के आप जो है बोया का जो माइक्रोफोन है BYMM1 जो भी शॉटगन माइक होता है ना वो बिना माउंट के आप नहीं लगा सकते, बिना कोल्ड शू माउंट के। तो फ़ोन होल्डर ख़रीदना पड़ेगा अलग से, जिस कोल्ड शू माउंट जिसमें लगा हो, तो सिर्फ कोल्ड शू माउंट की वजह से भाई साहब ये जो मेरा फ़ोन होल्डर है ना वो मेरे ट्राईपॉड से भी महंगा कह सकते हो, 300 का था, 300 का मैंने ख़रीदा था, और मैं सच बता रहा हूँ, ये हिफिन हिफिन एक कंपनी है उसका मैंने ख़रीदा था 299, मतलब वही 300, और 20 दिन नहीं चला ये जो मेरे ट्राईपॉड है वो 2 साल चला, उससे कम प्राइस का, और ट्राईपॉड से महंगा फोन होल्डर वो मतलब उसके आधे टाइम भी नहीं चला, तोबा 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 20 दिन चला और टूट गया लगभग। और उसके दोनों ही जहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं ना वो दोनों ही बिल्कुल टूट चुका है, ख़राब हो चुका है एकदम। तो मैंने उसको ना टेप से बांध दिया है, तो ताकि जो भी काम चल रहा है चले। बस यही सेटअप के बारे में बात करनी थी। 3 चीज़ है, एक माइक्रोफोन है, एक फ़ोन है, और एक फ़ोन होल्डर है, और एक ट्राईपॉड है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। फ़ोन होल्डर अलग से ख़रीदना पड़ेगा अगर ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको दूसरा माइक्रोफोन यूज़ करना है, जैसे मेरे पास एक और माइक्रोफोन है BYM1, ये तो BYMM1 है, एक है BYM1, वो वायर वाला होता है, तो उसमें आपको फ़ोन होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि उसे माउंट की ज़रूरत नहीं होती, कोल्ड शू माउंट की, लेकिन उससे आप व्लॉगिंग नहीं कर पाओगे भाई साहब। मतलब बैठ के बात करना है ठीक है, बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है,
लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बाहर मैं जाऊंगा और फिर ऐसे ब्लॉगिंग करूंगा वो वायर लगा के, तो वो वाला काम करना है अगर, तो आपको एक दूसरा दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो ऑडियो सिंक्रोनाइज किया जाता है। मतलब सर्च कर लेना यार ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करो, वीडियो अलग से रिकॉर्ड करो, ठीक है। मान लो एक एक ऑडियो का रिकॉर्ड करना आपको, तो आप माइक लगा लो, मैंने काफ़ी बार किया है, तो माइक लगा लो आप, ठीक है, और वो जेब में फ़ोन रख लो जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड करो और फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करो, और जो फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड होगा ना वो नहीं जाएगा वीडियो में, उसको हम डिलीट कर देंगे बाद में, सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा जो माइक में रिकॉर्ड होगा आपके, जो कि आपके जेब में फ़ोन रखा हुआ है उससे होगा रिकॉर्डिंग। तो वो वाला टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ना उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा दो दो फ़ोन में हो जाता है वो, और आपको ना आपको हमेशा क्लैप लगाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ऑन की आपने आपको एक क्लैप मारना पड़ेगा ताकि आप दोनों ही ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर सको। तो ये सब आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है, यूट्यूब पे सर्च कर देना अगर आप ऐसा करना चाहते हो। तो मैं इन सारे झंझट से बचने के लिए मैंने ले लिया BYMM1, बस अपना माइक लगा लो ऊपर, बस हो गया झंझट खत्म, ये सिंक्रोनाइजेशन वाला झंझट खत्म हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया मैं, देखो ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन से बचना तो चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसमें जैसे मान लीजिए 4 शॉट्स हुए 5 शॉट हुए, जब भी हम व्लॉग करते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉट्स होते हैं, तो हर बार हर ऑडियो को सिलेक्ट करके फिर उसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि ये वीडियो है, तो इस वीडियो में सिर्फ एक सिंगल ही बार में पूरा शॉट ले लिया गया, तो इसलिए जैसे कि ये अभी कट हो गया, मतलब ये दूसरा शॉट हो गया, तो मैं असल में बताना भूल गया था, तो इसलिए मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, कि ये वीडियो भी सिंक्रोनाइज़ करके, ऑडियो को सिंक्रोनाइज़ करके ही बनाया गया, ऑडियो वीडियो को सिंक्रोनाइज़ करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें दो वीडियो थे, तो दो वीडियो और एक ऑडियो, तो कैसे सेट होगा उसको हम सिंक्रोनाइज़ करके ही सेट कर सकते हैं। तो एक ही ऑडियो चल रही है, अब अचानक से दूसरा वीडियो चल गया, तो वो दोनों मैच करना चाहिए, तो उसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ऑडियो का सिंक्रोनाइजेशन, ऑडियो वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लो यार, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। तो ये बताना भूल गया था मैं, बस हो गया मेरा, हो गया। ये थी सारी व्लॉगिंग के सेटअप के बारे में, और आगे मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ अनबॉक्सिंग का, नए ट्राईपॉड और गोरिल्ला पॉड दोनों का ही अनबॉक्सिंग आने वाला है। तो अब जाने दीजिए, और सब्सक्राइब वगैरह जो भी मन करे वो कर लीजिएगा, ना मन करे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है।